वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल पोमिरा जाई। होप आप सब ठीक होंगे। सो आज मैं सुबह से उठी हुई थी, उठ के सारा काम वाम किया, बर्तन धोए, नाश्ता बनाया और सारी सफाई, क्योंकि अंडी आज भी नहीं, आज तीसरा दिन है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो आ नहीं रही। तो सिर्फ मैं उठ के काम वाम कर लेती हूँ सारा, क्योंकि घर तो ऐसे नहीं रख सकते ना हम। तो मेरे को बड़ी टेंशन हो रही होती कि बस फटाफट जो है ना क्लीन हो जाए, बोल रहता ना साफ, तो टेंशन नहीं होती। तो आज मैं जा रही हूँ सैलून और वहाँ जाके क्या करवाने लगी हूँ आप लोग देखना व्लॉग में। और साथ में जा रही हैं भाभी और मैंने इनको भी नाश्ता वाश्ता करवा दिए। पहन लो कपड़े फिर जान, कपड़े वगैरह पहन लो चले। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, मैंने कुछ भी फेस वाला लगवाने को दिल्ली कर, मैंने वैसे ही वहाँ जाके करवाना है फेशियल। और उनका फेशियल बहुत अच्छा, मुझे उनका फेशियल बहुत बहुत पसंद है, काफ़ी फेस फ्रेश हो जाता है। तो डाइट की वजह से ना, वेट लूज़ करने की वजह से फेस बहुत ज़्यादा डल लग रहा है, फ्रेशनेस खत्म हो रही है। मैंने उनको बोला फ्रूट्स लेकर आओ थोड़ा थोड़ा ना, साथ में फ्रूट्स भी स्टार्ट करती हूँ, कि फ्रूट से जो ना प्रोटीन वगैरह आपकी एनर्जी पूरी होती है उससे। क्या मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है, तो खैर अभी साथ ही बने रहना आप लोग, ठीक है? तो मिलते हैं। सो जैसे कि आपको मैंने बताया था, मैं जा रही हूँ सैलून और मैं आ चुकी हूँ, बस मिलवाती हूँ कि मैं किन के पास आई हूँ। और मैं लास्ट टाइम भी आई थी यहाँ पे, शायद आप लोग को याद हो, ईद पे आई थी, तो मैंने यहाँ से कटिंग करवाई थी अपनी, फेशियल वगैरह लिए, तो फेशियल बहुत इनका अच्छा होता है, तो उनसे मिलवाती हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आज मम्मी आई हैं और मम्मी कैसा लगा आपको वीकेंड? बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी देर हो गए आपको आते थे, दूर भी तो बहुत है, हाँ, तो है, हाँ। बहुत डिस्टेंस है घर से और काफी टाइम फॉर्मी करके आऊंगी मैं, आऊंगी लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। हाँ। मैंने कल का व्लॉग भी देखा, आप कल कहाँ गई हुई थी? वो घर अपना लिया ना, तो अच्छा, उसी शिफ्टिंग में। अच्छा अच्छा, हाँ। तो मेरा चैनल तो आप फॉर्मी तो पहले आई थी, उसकी वीडियो जो मेरे चैनल पे थी, मेन चैनल पे एके अनमोल ब्यूटी पार्लर पे, तो ये वाली जो वीडियो होगी मेरा ब्लॉगिंग चैनल है पार्लर वाली ब्लॉगर अनमोल, तो इनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग लाजमी जाइएगा उनको, खूब सारा आप लोगों ने प्यार करना है, सब्सक्राइब करना है। और जो लोग मेरे चैनल से जाएंगे लाजमी बताना पोमी राज के चैनल से आए, नाम मेंशन कर दिएगा पोमी राज के चैनल से आए, और बहुत सारा सपोर्ट चाहिए, ठीक है? तो पोमी जो आई हैं आज रिकॉर्डिंग के लिए और फैशियल वगैरह के लिए, तो उनका करते हैं। और ये वाली वीडियो जो आपके फैशियल की और जो रिकॉर्डिंग की वीडियो जो है आपको मेरे मेन चैनल पे मिलेगी एके अनमोल ब्यूटी पार्लर पे, और ये जो ब्लॉगिंग के हवाले से वीडियो मिलेगी आपको मेरे चैनल पे पार्लर वाली। इनकी वीडियोज बहुत अच्छी होती है, फैमिली व्लॉग्स होते हैं, तो लाजमी आप लोग उनको सपोर्ट करें और वॉच करें। तो अभी हम चलते हैं, अपने प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, काफ़ी टाइम लगेगा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि ये प्रोसेस होता है, लेंथी प्रोसेस होता है, तकरीबन 4 से 5 घंटे इसमें लगते हैं। तो आपको हमें आई भी थोड़ी सी लेट है, तो ये के बच जाएंगे, काफ़ी टाइम हो जाएगा, क्योंकि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वर्कर्स हैं तो ये के काफ़ी जल्दी काम हो जाए, लेकिन इतना 3 से 4 घंटे तो मस्ट है पोमी, ठीक है? तो स्टे कनेक्ट विद अस, ठीक है? और भाभी भी आई हैं साथ, भाभी ने मेरी बॉन्डिंग करवाई थी बस अचानक से, लेकिन कह रही है भी इतना सामान नहीं है, तो मतलब कटिंग वटिंग करवा देती हूँ, सही है? हाँ सही, ठीक है, बाय बाय। सो ये अभी आप एक वालों को देख सकते हैं क्या है, और इसके बाद का देखते हैं क्या आएगा। काफी रफ हो रहे और वेव्स भी आ रहे हैं, बहुत देख सकते हो आपको, तो इंशाल्लाह जो है वो आफ्टर का, यही जो है वो बिफोर लुक है, तो फिर आपको जो है वो आफ्टर का लुक मिलेगा, ठीक है? और यहाँ मिकायला है ना, मेहंदी लगवाना शुरू कर दी है मिकायला, उसको बड़ा शौक है मेहंदी लगवाने का, स्कूल में टीचर डांटेगी, क्या बोलोगे टीचर पूछेगी तो? है हाँ, तो फिर क्यों लगवा रहे हो? तो अभी जो है ना मेरा होने लगा है फेशियल, और मेरी स्किन बहुत सारी, अब देख सकते कितनी ख़राब हुई है, और शीशे में अपना को देखो मेरा फेस इतना पतला पतला लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। तो खैर मैं आप लोग को लाजमी बताऊंगी कितना मैंने वेट कम किया है, अभी तो नहीं बताऊंगी लेकिन थोड़े टाइम बाद बताऊँगी, और अपनी थोड़ी सी डाइट भी शेयर करूँगी अभी थोड़े टाइम बाद। तो अभी जो है ना स्टार्ट होने लगा है फेशियल, तो चलते हैं। बस ऐसी बीच लगाते हुए आपने बहुत ज़्यादा ख्याल ये करना है कि आपने कभी भी बीच लगाते हुए, हम लोग घर में ऑलमोस्ट मिस्टेक क्या करते हैं, हम ब्लीच है वो ऐसे ऐसे लगाते हैं, कभी भी ब्लीच आपने जो है ना वो ऐसे नहीं लगानी, क्योंकि आपके बाल की डायरेक्शन जो है वो ऐसे है, तो आपने उसके अपोजिट साइड पर हमेशा आप ब्लीच ऐसे लगाओगे, तो आपकी जो है वो नॉर्मल ब्लीच भी होगी, जो आप साशी वाली ब्लीच यूज़ करते हो उसके रिजल्ट भी आपको
बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिसको आप जो है वो सही तरीके से यूज़ करोगे तो आपकी स्किन, आपकी जो ब्लीच भी है या कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो तो उसका काम जो है वो डबल हो जाता है और वो रिजल्ट जो है वो डबल देती है। ठीक है, तो आपने जो है वो इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है। तो सबसे पहले आपने ब्लीच जो है वो यहाँ अप्लाई करनी है जहाँ हमारे फेशियल हेयर्स होते हैं। पर अच्छा, बेसिकली हम ब्लीच क्यों यूज़ करते हैं? ब्लीच हम इस पर्पज के लिए यूज़ करते हैं कि आपके जो फेशियल हेयर्स होते हैं वो कवर हो सकें, ना ही इसलिए कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा चिट्टा कर दें या गोरा कर दें। तो इस पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ होती है ब्लीच, हमेशा जो है वो फेशियल हेयर्स को कवर करने के लिए होती है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी टैनिंग के लिए होती है, जो हमारे फेस पर टैनिंग हुई हुई होती है वो जो है वो रिमूव करती है। ठीक है, तो आपने इसको अप्लाई करना है और डार्क सर्कल अगर आपके हैं तो आपने थोड़ा सा करीब से पास से लगाना है, अगर डार्क सर्कल नहीं है तो आप दूर से लगा सको। ठीक है, और आप लगाने वाले को बोले आईज अपनी जो है वो अच्छे से क्लोज कर लें, क्योंकि इसकी जो है वो जलन जो है बिल्कुल जो है वो आँखों में जाएगी, फिर आँखों में पानी आएगा तो इरिटेशन हो सकती है। तो आपने इस बात का जो है वो लाजमी से ख्याल रखना है। ठीक है, अगर ब्लीच की जो है वो आपने फॉर्म जो है वो ठीक लगानी है, ये नहीं है कि आपने एक हल्का सा लगाया और उसी को जो है आपने पूरे में फेर दिया, जी नहीं, आपने अच्छी से उसको कोट करना है ब्लीच को। जब तक ब्लीच को अच्छे से कोट नहीं होगा जब तक आपकी ब्लीच जो है वो रिजल्ट नहीं देती। लोग होते हैं एक साशी में चार चार पांच पांच फेसेस कर लेते हैं, मैं वो ये भी बात कर लेती हूं, काफी सैलून में ऐसे करते हैं, एक ही ब्रश फेरते रहते हैं, एक ही ब्रश फेरते रहते हैं और एक फेस पे बनाया और उसको चार पांच पे लगा दिया, जी नहीं, आपने एक फेस के लिए एक ही ब्रश यूज करना है और जब आपने एक फेस के लिए बनाई है तो इसको एक ही फेस पे कवर करना है। ये नहीं कि ब्लीच बच गई है या ज्यादा बन गई है, जी नहीं, जब वो एक फेस के लिए निकाली गई है तो वो एक फेस के लिए निकाले इतनी क्वांटिटी में कि एक पे ही। हाँ, नहीं, बाल लोग कहते हैं कि नहीं फूल गई है, ब्लीच ज्यादा हो गई है, तो वो ज्यादा नहीं होती है, वो फूल जाती है। अच्छा, जब आप उसको लगाओगे तो वो थोड़ी देर में एब्जॉर्ब हो जाती है और थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है, तो आपने इस बात का लाजमन से ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे आप इसको फॉलो करेंगे तो आप जरूर बताइएगा कि आपको ब्लीच के रिजल्ट कैसे मिले, और जब अगर आप मेरी बताई हुई ब्लीच लगाएंगे तो आपको उसको 110% आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, और अगर आपके डार्क सर्कल हैं तो आपने जो है वो फिंगर से यहाँ पे लिड एरिया पे भी लगा देना है, इससे ये होगा कि आपकी जो डार्क सर्कल हो रहे हैं तो आपने जो है वो ये ख्याल रखना है कि आईब्रो या फिर आपकी लैशेस पे ना लगे, इससे ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी डार्क सर्कल को रिमूव करने में और उसको लाइट करने में। ठीक है, और ये बैक पे भी हम लगा देंगे, बैक को ज़रूर आपने कवर करना है, बैक को आपने लाजमन से कवर करना है, इसको नहीं भूला करें क्योंकि ये भी एक फेस का हिस्सा होता है, और एयर्स को भी नहीं भूलना है आपने। और बहुत से लोगों में तो ब्लीच बैक पे लगाते ही नहीं लगाते नहीं, मुंह फेस पे लगाते हैं बस। और इसी तरह मेकअप में होता है, मेकअप करते लगाते और गर्दन पे भी नहीं लगाते, बस फेस पे लगा देते, वो इतना अजीब लग रहा होता है ना, बहुत ज्यादा चीप लग रहा होता है। अब आप देख सकते हैं मैंने ब्लीच निकाली थी एक फेस पे और जब मैंने उसको मिक्स आउट किया तो वो डबल हो गए, और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खाली है क्योंकि इसको मैंने अच्छे से कोट किया है ताकि रिजल्ट हमारे अच्छे हों। तो हमें टाइमिंग देनी है तकरीबन 12 से 15 मिनट, और अगर सेंसिटिव स्किन वाले इसको यूज करेंगे 7 से 10 मिनट इनफ है, देन उसके बाद आप वॉश कर लो या फिर स्पंज से साफ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मेरी ब्लीच लगी थी, देख सकती आईज रेड हो रही है, कभी आईब्रोज नीट कर रही है, मैंने मना किया था लेकिन कह रही नहीं करवा लो थोड़ा ना फेस फ्रेश लगेगा आपका। सो यहाँ पर ना मैंने लगा है मास्क, फेशियल हो चुके और यहाँ हो रहा है मैनी पैडी, फोन पे ब्लीच लगी थी मैं करके आई हूँ वॉश। तो भी यहाँ पर फेशियल सब कुछ हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं मेरा फेस कितना फ्रेश लग रहा है और मैं खुद भी इतना काफ़ी फ्रेश फील कर। स्टेप्स कैसे लगे मोमी? बहुत बहुत ज़बरदस्त। आज फेशियल वैसे मैंने मोमी को मैंने दिया है क्योंकि मैंने अपने मेन चैनल पे आपको एक्सप्लेन किया है स्टेप्स का, इसलिए। हाँ, तो जिन्होंने देखना होगा आप लोग लाजमी जाकर पूरी वीडियो वहाँ वॉच करना, इन्होंने सारे स्टेप्स के साथ बताया, प्रोडक्ट का भी एक्सप्लेन किया है। तो अभी जो है ना मेरा काम स्टार्ट होने लगा हेयर का, तो कितना टाइम लगेगा इसमें? तकरीबन 3 आवर्स तो लगेंगे। अच्छा, क्योंकि 2 दफ़ा जो है वो हेड वॉश होगा, ड्राई होगा, और स्ट्रेटनिंग में टाइम लगता है, मेन उसका जो पार्ट होता है वो स्ट्रेटनिंग ही है। सही, चले बस अभी प्रोसेस दिखाते हैं आपको, साथ ही बन रही है। ये हमने जो है वो रिमोट की मैं यहाँ पे रिबॉन्डिंग यूज़ कर रही हूँ, और इसका वन जो हमारा स्टेप्स था वो मैंने इसमें निकाल लिया है। ठीक है, और जो है वो फर्स्ट स्टेप हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट
और आप जो है वो ये देखें सेक्शन कर लिए हैं और 3 सेक्शन हमने कैचर कर लिए हैं। आपके पास कोई वो कैचर हो दूसरे वाले आप वो भी लगा सकते हो, कटिंग कैचर। आप इस वाले पार्ट में हम एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। आपने अच्छे से जो है वो फॉर्म करने हैं, जो भी आपकी टैंगल हो आप उसको सॉर्ट आउट करके देन उसके बाद अप्लाई करेंगे आप। आपने बहुत ज़्यादा थिन लेयर लेनी है, वो भी आपको होल्ड करूँगी। और इसकी एप्लीकेशन में आपने बहुत ज़्यादा जल्दी, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन आप 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर कर दें। और आपने हाफ इंच छोड़ना है, हाफ इंच आपने छोड़ना है, ठीक है। और इस तरह आप उसको अप्लाई करते जाओगे। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि कैरेटीन बेस्ट है या रिबॉन्डिंग? नहीं, सबसे बेस्ट जो है वो रिबॉन्डिंग है। कैरेटीन वो होती है 3 से 4 मंथ चलती है, मेरे पास भी कैरेटीन पड़ी हुई है, वो सामने जो रखा कैरेटीन। लेकिन इसकी जो है ना वो टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा कम होती है और बहुत ज़्यादा जो है ना जल्दी ख़राब हो जाते हैं। आप उसकी जितनी केयर करोगे ना फिर भी जो है ना वो आपके बाल ख़राब हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता। रिबॉन्डिंग का ये फ़ायदा है कि डेड स्ट्रेट देता है, डेड स्ट्रेट और लॉन्ग टाइम। मैंने लास्ट टाइम ट्राई थी, मैंने 2 साल चली थी। और एक्सटेंसो भी इसी तरह है। अभी हम इसको चेक कर रहे हैं, 15 से हम लोग इसको रखेंगे, 15 से 18 या 20 मिनट रखेंगे। जैसे ही इसमें इलास्टिसिटी आ जाएगी, बाल में खिंचनापन आ जाएगा, जैसे हम चेक करेंगे, जैसे कि मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ एक बार, ये देखो करीब करो ये टूट रहा है, तो अभी नहीं हुआ है। जैसे खींचेगा बाल और खींचने वाला हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कैसी कंडीशन हो जाएगी, देन उसके बाद हम उसको रिमूव करा देंगे, बालों को वॉश करा देंगे सिंपल पानी से। थोड़ा बता देना। तो जी जनाब, यहाँ पर हमारे स्ट्रेट हो गए हैं बाल, और अभी जो है वो सेकंड क्रीम लगेगी, ठीक है। और ये देखें, अभी सिर्फ जो है ना एक स्टेप हुआ है और उसके बाद वॉशिंग के बाद स्ट्रेट हुए हैं। अभी सेकंड क्रीम लगेगी, इसको मैं कूलिंग के लिए छोड़ूँ जब तक ये ठंडे हो जाएंगे बाल, देन हम सेकंड क्रीम अप्लाई करेंगे, उसको टाइम देने के बाद हम उसको वॉश करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर सेकेंड क्रीम अप्लाई हो गई है और इसको हम टाइम देंगे 15 to 20 मिनट, और देन उसके बाद वॉशिंग दे देंगे। आप लोग देख सकते हैं मेरे बालों में कैरेटीन हो गया है और बहुत ही खूबसूरत हुआ है, मुझे बहुत बहुत पसंद आया है, बहुत ज़बरदस्त हुआ है। आप लोग देख सकते हैं मेरे बाल कितने ज़्यादा जो है ना फ्रेश लग रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा लाइट वेट लग रहे हैं। तो मैं बैक से भी दिखाती हूँ आपको, बैक से भी रिजल्ट दिखाती हूँ आपको, मुझे बहुत पसंद आया है। तो जिन लोगों ने करवाना है लाजमी आप लोगों ने वास्ते ही करवाया, बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मुझे बहुत पसंद आया। और इन्होंने लास्ट में सीरम लगाया, उससे मेरे और इसका बाल जो है ना शाइनी हो गए और बहुत स्मूथ हो गए। और इन्होंने कुछ बताया 3 डेज तक जो है ना ये बहुत केयर कर रहे हैं, बस बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। तो मैं यही भी ब्लॉग एंड करती हूँ, चैनल को आपने बने करना है लाइक सब्सक्राइब और शेयर, और बाकी लास्ट में मैं आपको अनमोल से मिल पाती हूँ जी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो फोन की हो गई है सर्विस कंप्लीट, फेशियल भी हो गया और जो है वो नेल पॉलिश भी लगवाई, मैनी पैडी और इनकी जो है वो रिबॉन्डिंग भी हो गई है। इनकी 3 डेज़ की आपको पता है कि 3 डेज़ के बाद वॉशिंग होती है, तो इनको केयर बहुत ज़्यादा करनी है, जितनी केयर करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। सो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कॉमेंट ज़रूर करिएगा। लव यू।